हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी तक। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार में आई सरकारी नौकरी की नई बहाली के बारे में। पांच अलग अलग विभागों में बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट आई है एंड कुल पदों पर जो है देख सकते हैं कुल पदों की संख्या है 5368 एंड एक मीटिंग हुई थी अभी हाल ही में जो है इसको बिहार सरकार की मंजूरी दे दी गई है वैकेंसीज के लिए। जो 5368 पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट निकलने वाली है पांच अलग अलग विभागों में, उसके लिए जो है मंजूरी दे दी गई है बिहार सरकार की तरफ से। तो अब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत ही अच्छी जॉब्स है। एंड सितंबर 2019 में जो ये निकली है वैकेंसीज पाँच अलग अलग विभाग में, बहुत ही अच्छी है। सैलरी के हिसाब से बात करें या नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन से विभाग में रिक्रूटमेंट आने वाली है, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, क्या आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा, सब डिटेल से बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप अगर नए हो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट में पूछते रहते हैं सर कि आपका नोटिफिकेशन नहीं आ पाता, तो नोटिफिकेशन नहीं आने का रीज़न ये है कि आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो। तो बेल आइकन दबा देना, तभी नोटिफिकेशन जाएगा किसी भी वीडियो का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उस आर्टिकल्स पर ले जाना चाहूँगा जहाँ पर इस पाँच विभाग के बारे में नौकरी उसके बारे में बताया गया है, सब स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं उस आर्टिकल्स को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसीजर बताता हूँ आप। गाइज, मैंने ये आर्टिकल्स ओपन कर लिया है, यहाँ देख सकते हैं सरकारी महकमों में जो है होगी 5368 नियुक्तियाँ, यानी 5368 पोस्ट के लिए। ये आज का न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, आप लोग चाहें तो आप भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे न्यूज़पेपर अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस किस डिपार्टमेंट में आएगी, फिर उसके बाद हम डिटेल्स में बात करेंगे। देखो, डिपार्टमेंट्स में क्या है कि जो बिहार गवर्नमेंट है इनका एक एजेंडा है, 14 एजेंडा पर जो है इन लोगों ने मोहर लगाया है। अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, पांच अलग अलग डिपार्टमेंट क्या है, किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है 2324 वैकेंसीज है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है 2324 है। न्यायालय जो है, न्यायालय में जो है 2178 पोस्ट की रिक्रूटमेंट होने वाली है। पंचायती राज में जो है 589 पोस्ट की रिक्रूटमेंट होने वाली है। एंड प्रोफेसर असिस्टेंट पर्यावरण के लिए जो है आप लोगों का जेनी स्कूल से रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, उसमें जो है 229 जो है रिक्रूटमेंट होने वाली है। एंड जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से 29 पोस्ट के रिक्रूटमेंट होने वाली है। टोटल पांच प्रकार की जो है पांच विभागों में ये वैकेंसी निकलने वाली है। अब उसके बारे में हम डिटेल से भी जानते हैं, ये तो शॉर्ट में हो गया। राज्य सरकार के विभिन्न महकमों में करीब 5368 पदों पर नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में 14 एजेंडों पर मोहर लगी। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में 5368 पदों पर नियुक्ति करने की अनुमति दी है। इसमें विधि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पद शामिल हैं। कैबिनेट ने राज्य में अनियमित मानसून, बाढ़, सूखा और कम बारिश के कारण फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान को जो है डीजल अनुदान के बारे में दिया गया है। उस कैबिनेट की मीटिंग में जिसमें यह पास किया गया है उसमें वैकेंसीज के अलावा, नौकरी के अलावा 13 और अलग अलग एजेंडों पर साइन किया गया, तो वो डीजल्स के बारे में दिया गया। तो रिक्रूटमेंट जो है फाइनली जो है ऑफिशियल जो इसका जो है अब ऑफिशियल एक दो दिन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अभी जो है एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग के बारे में सारा चीज़ कंफर्म कर लिया गया है, तो एक दो दिन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कुछ नोटिफिकेशन आउट हो चुका है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पंचायती राज कोऑर्डिनेटर्स का, यानी पांच प्रकार के जो पांच विभाग, इसमें कुछ विभाग का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। वैसे मैं इसके लिए वीडियो भी बनाने वाला हूँ, हर एक विभाग में जो अलग अलग रिक्रूटमेंट आने वाली है सबके लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। तो अभी फिलहाल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, बस जब आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे उसमें अलग अलग मेंशन किया हुआ है। तो गाइज, ये इन्फॉर्मेशन है था जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। गाइज, वीडियो लाइक जरूर किया करो, आप लोगों की तरफ से लाइक की बहुत कमी होती है। हम लोगों को क्या चाहिए, बस आप लोगों से यही चाहिए, लाइक शेयर यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो लाइक जरूर कर दिया करो एंड वीडियो को जो है अगर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर भी करो। आपके कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा वैकेंसीज के बारे में, तो उनके साथ शेयर करो, क्या पता आपके इस एक शेयर की वजह से उनकी जॉब लग जाए। अगर वो बेरोजगार हैं, उनके पास कोई जॉब्स नहीं है, तो उनकी जॉब भी लग सकती है। तो शेयर करना चाहिए, शेयर करने में कोई पैसे नहीं लगते। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो फिर से पसंद आया होगा, एंड पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, फैला दो इस वीडियो को। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।